नमस्ते। ये मेरे ऊपर से चले जाएंगे। अरे अरे भाई 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 क्रॉस कर गए यार मेरे को। ये देखो मेरे ऊपर से गया। एंड ये दूसरा आ रहा है देखो। So now we are in Kayapur, so near to the Banna tribe. So welcome back guys, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। यार आज वाला जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि अब्राहिम भाई के साथ में मैं आ चुका हूँ बन्ना ट्राइब। ये जो बन्ना ट्राइब है ना ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ के। जो मैं शैतान बच्चे दिखाऊंगा और उनकी एक्टिविटी देखकर है ना, मतलब आप हंसो भी गए और यार गजब है, मतलब आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो भाई इसको बोलते हैं बन्ना स्टिक वर्किंग। अभी आप देख रहे हो ये लड़के है ना, देखो स्टिक पर चढ़े हुए हैं और ये देखो आप देख रहे हो। मैं तो बहुत छोटा हो गया, ये मेरे ऊपर से जा रहा है पूरा। ओके 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 ये देखो मेरे ऊपर से गया। एंड ये दूसरा आ रहा है देखो, ये देखो। और ये बच्चे है ना देखो, ये थोड़े बड़े हैं तो इनकी स्टिक थोड़ी बड़ी है, और ये जो बच्चे है ना इनकी स्टिक थोड़ी छोटी है। ये अभी देखो, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो ये लगा रखा ना ये लेप, ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना अपने इंडिया में, वो लगा रखा इन्होंने। और अभी जस्ट मैंने टच किया तो मेरे को लगा, क्योंकि इस बच्चे का अभी सूखा नहीं है और इनका सूखा हुआ है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इससे है ना इनको लगता है कि ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। इनकी पूरी ट्राइब में लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब पेंटिंग रखते हैं। मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ, आपको ज़्यादा दिखेंगे। मैं तो छोटा सा हूँ यार, ये बहुत लंबे लंबे हैं। ये देखो ये बच्चे, वो भी एक्सपर्ट है। कम ये देखो, मेरे को तो ये छोटा वाला सही लग रहा है यार, इसको चला के देखता हूँ मैं। ये जा रहा था घर की तरफ, मैं बोला भाई तू भी आ जा। कम ऑन, ये देखो इनकी प्रोसेस देखो। इसने स्टिक्स को पकड़ा, ये इसको सिखा रहे हैं। ये पैर रखा, एक दूसरा पैर रखा, और ये देखो चलना शुरू कर दिया इसने। ये मेरे ऊपर से चले जाएंगे। अरे 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 भाई 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 क्रॉस कर गए यार मेरे को। कल आवाज आदमी है यार, एक नंबर की। ये मैं इसको लाता हूँ पकड़ के। कम ऑन, ये तो भाई एक्सपर्ट बन गया इतनी देर में यार, फुल एक्सपर्ट बन चुका है। इसकी स्टिक थोड़ी छोटी है। So now we are in Kayapur, so near to the Banna tribe. So the Banna people living near to the Kayapur side. So there are like more than 45,000 people living the population in Omobali. So only those the Banna kids are working on the stick on Omobali. So there with the border rooms is the Hammer and Samai. So these people are why they doing the painting page just for the beautiness and just for So how they make the painting page? That's from the there is small stones, mm-hmm. so they can crush mm-hmm. and making. And there's some also the coil and chalk. Okay. And they can making the they mix with water uh-huh. and they can painting the bodies and faces. Uh-huh. Yeah. And all the day, morning and night, they just walking uh-huh. just for the fun. Uh-huh. And they will come with the cattle and they. Send in the bush. Mm-hmm. After night time, they can take the cattle going to their houses mm-hmm. to sleeping like mm-hmm. 4 or 5 kilometers far. The houses near mm-hmm. the sleeping houses. Okay. So yeah. So भाई इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी स्टिक्स पर क्यों चलते हैं, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब इनकी कैटल्स ये लाते हैं ना तो चराने के लिए उनको छोड़ देते हैं, और ये स्टिक्स पर ऊपर चढ़ के इनकी हाइट काफ़ी हो जाती है, तो ये देख सकते हैं कि मतलब भाई अपनी जो अपना पशु है ना, अपना एनिमल है, वो कहाँ पर है अभी। और ये देखो कितना फास्ट चल रहे हैं। और इनके अगर घर की बात करूँ ना, तो ये है ना जैसे आप आगे की साइड आपको खेत दिख रहे हैं ना, उन खेतों में इनके दूर दूर झोपड़ी मिलेंगी। जैसे एक झोपड़ी उस साइड मिलेगी आपको, एक छोटी सी झोपड़ी कहीं दूर मिलेगी। ये इनका यूनिक कॉन्सेप्ट है कि ये पास पास में घर नहीं बनाते, बिकॉज ये लोग ऐसा मानते हैं कि पास में रहना अच्छा नहीं होता। और देखो ये लोग सुबह क्या लेकर आते हैं वो दिखाता हूँ। ये बच्चे सुबह अपने साथ में ड्रिंकिंग वाटर और मिल्क लेके आते हैं। फ्रॉम विच इट मेड? दिस इज कालाबाश। कालाबाशी, कालाबाश, या दे आर जस्ट फाइंडिंग फ्रॉम द बुश। बुश दे मेक देमसेल्फ। ओके, सो ये कालाबाशी बोलते हैं भाई इसको, ये जंगलों में इनको मिल जाते हैं तो उसी से ये खुद बनाते हैं। देखो प्रॉपर ढक्कन वगैरह इसका बना रखा है, और प्रॉपर इसको बहुत अच्छे से सजा रखा है।
और ये किसी जानवर की स्किन है जिससे इसको देखो ऐसे पकड़ते हैं ये लोग। तो इसमें ये सुबह अपना मिल्क और पानी लेकर आते हैं। अभी तो ये खाली हो चुके हैं। तो अभी ये सारे बच्चे यहाँ आ गए हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो भाई इनके जो पेरेंट्स हैं ना, उनका जो मेन बिजनेस होता है ना, उनका ये मेन बिजनेस ये है कि वो काउज पालते हैं और हनी इकट्ठा करते हैं, काउज का मिल्क बेचते हैं। और मैक्सिमम जो मैंने देखा है ना, वो यही देखा है कि काउज को भी सेल करते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जैसे काउज, यहाँ पर ग्रीनरी है पूरी, तो काउज अच्छे से पालते हैं और इनको कोई चारा वगैरह की कोई समस्या नहीं आती है। जैसे मैंने कुछ कंट्रीज़ में देखा है कि कुछ समस्या आ जाती है चारे वगैरह की। ये देखो मेरे साथ ही बैठ गए। एंड भाई बात करें मैरिज की, तो यहाँ पर भी सेम ही है, वन मैन कैन मैरी विद मल्टीपल, राइट? या यहाँ पर भी भाई सेम ही है। और एक एक जब शादी होती है तो आराम से 40 से 50 गायें देनी पड़ती है यार इनको, मतलब जिसकी लड़की लड़की वालों को देनी पड़ती है, लड़की का जो फादर होता है उसको देनी पड़ती है। तो ये यहाँ की ट्राइब्स में मोस्टली कॉमन सा ही है ये चीज़, और बहुत ही स्ट्रेंज है। अभी देखो ये बच्चा आ गया है मेरी तरफ। हाय नमस्ते। ये जो ये है ना बच्चे, ऐसे लग रहे होंगे कि सेम भाई भाई से, ये भाई नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से हैं। कुछ मतलब ऐसे मतलब बहुत दूर दूर इनके घर होते हैं, तो एक बच्चा किसी फैमिली से, एक बच्चा किसी से, और ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से आके और फिर यहाँ एक्टिविटी करते हैं। सो दे मेड दिस स्टिक, हु मेड दिस स्टिक? They can make the sizes, small one, bit small, mm-hmm. bit bigger, they can make. From which tree? Yeah, come in, channa. Inte na? Akka. Akka. Akasha. Akasha. Yeah, some the Akasha. भाई अकाशा नाम का कोई पेड़ होता है, उससे ये स्टिक्स बनाते हैं और ये खुद ही बना लेते हैं उन स्टिक्स को. And how they balance these sticks? The balance, they know how to make it because it's difficult. Mm-hmm. If I try, if mm-hmm. you try, it's totally that difficult. That is why I'm asking ki who yeah. made, because to maintain the balance for both these sticks is very hard. Yeah. It's like engineering. Yeah, they have local. भाई ये जो stick बनाते हैं इनका proper balance बिठाना एक engineering है एक type में। तो ये लोग यार इन चीज़ों में expert हैं, ये proper balance बिठाते हैं और ये खुद बनाते हैं। और पेड़ का नाम तो मैंने बता ही दिया जिससे बनाते हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की है, जैसे ये इस बच्चे की है, ठीक है? अगर दूसरे बच्चों की देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की मिलेगी आपको। तो सबका अपना अपना साइज होता है। देखो अभी ये बड़े एक बच्चे की है तो ये साइज है उसका। कितनी लंबी स्टिक्स हैं यार। और वो तो मैंने दिखाई दिया जब ये चल रहे थे, तो मेरे को कैसे क्रॉस कर रहे थे ऊपर से। ये नाइफ साथ में रखते हैं भाई, क्योंकि यार ये देखो अफ्रीका पूरा जंगल का इलाका है, कहीं भी कोई पशु मिल सकता है, जानवर मिल सकता है। तो ये प्रॉपर ये नाइफ रखते हैं साथ में। एंड ये घर में भी यूज़ लेते हैं इसको, मीट वगैरह को काट के फिर उसको खाते हैं। यूज फॉर मीट, या मीट। दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग। और ये जो इसका कवर है ना, ये भी स्किन से बनाते हैं। ये बस स्पीड देखो इसकी। ये भाई देखो बन्ना ट्राइब्स में ये बेचने के लिए आए हैं। दिस इज फॉर टी। ये चाय पीने के लिए है। और ये तो मैंने कंटेनर दिखाया, देखो कितना अच्छा यार ब्यूटीफुल बनाते हैं, मतलब हैंड से बहुत अच्छा। ये डेकोरेट भी करते हैं फिर इनको, बहुत अच्छा कल्चर है ये। कोई देखो कोई वो होता है वेजिटेबल होता है, उसका जो छिलका होता है ना उसी से बनाते हैं। बड़े यार आर्टिस्ट लोग हैं ये काफ़ी। भाई ने भी बोल दिया यार, अब तो सब्सक्राइब दी हिंद ट्रैकर कर लो अब तो यार। चलो यार अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैंने यार अपना फुल ट्राई किया है इस ट्राइब को पूरा एक्सप्लेन करने का, ये लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। और ये बच्चों की एक्टिविटीज़ तो आपने देख ली है, बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में ये बच्चों की एक्टिविटी। सो यार अपने चैनल को जैसे उस बच्चे ने बोला यार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दो। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू ट्राइब के साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में।